सुना तो आजकल कोई भी दे देता है अपनी बेटी की शादी के लिए। तो कहिए ना अपने साईं से कि कहीं से 100 तोले सोने का भी इंतजाम कर दे, और अगर नहीं कर सकते ना तो साईं साईं की रट लगाना आप छोड़ दीजिए। कुछ भी हो जाए लेकिन कुलकर्णी सरकार से 100 तोला सोना लेकर ही वापस आइएगा। इसे लेकर आपको थाने जाना है और जाके थानेदार से कहना है कि ये आपको उस पाखंडी बैरागी ने दिया है, और ले जाइए अपना पुरस्कार। जल्दी में है नहीं तो संभाल कर बहुत कीमती चीज है। आपको कैसे पता ये कीमती है? आपने अपने सीने से जो लगा रखा है। क्षमा कीजिए, एक जरूरी काम है मुझे। के सबसे करीब, सबसे कीमती एक ही चीज है, दिल। बस उसे संभाल कर रखो तो संभालना अपने आप आ जाता है। यही है यमुना बेटी। अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। आइए विराजी। सुबह बिना बताए चला गया, उसके लिए क्षमा। लेकिन बड़ी शीघ्रता थी अपने परिवार को लाकर आपसे मिलवाने की, यमुना से मिलवाने की। ऊपर वाले के तरीके निराले हैं मालसापति। कल रात को ही सोच रहा था कि मैं रास्ता भटक गया, लेकिन सुबह होते होते मुझे अपनी मूर्खता का एहसास हो गया था कि जिसे मैं भटकना समझ रहा था वो तो मेरे प्रार्थनाओं का ही सुफल निकला। यह हमारा बेटा है, बड़े अच्छे संस्कारों के साथ पाल पोस कर बड़ा किया इसे। ईश्वर से रोज प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, इसके विवाह के लिए सुंदर और सुशील कन्या मिल जाए, जो संस्कार और गुणों की धनी हो। यमुना से मिलकर मुझे विश्वास हो गया कि इससे अच्छी लड़की मेरे बेटे के लिए हो ही नहीं सकती।
इसलिए आपसे यमुना का हाथ मांगने आया। और मैं वादा करता हूं यमुना हमारे यहां बहुत खुश रहेगी। धन्यवाद, पर वो हम दहेज। कोई दहेज भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मालसा पति जी, आज यमुना का रिश्ता जरूर हो जाएगा। केवल इस प्रस्ताव को स्वीकार कर आप हम पर उपकार कर दीजिए। ये क्या कर रहे हैं? गले लगी है। ये क्या किया तूने? मेरी विवशता और आपका दबाव एक पल के लिए काफी हावी हो गया था मुझ पर सरकार। सालों से मेरे पेट में तकलीफ थी, लेकिन कुलकर्णी सर का समय ही नहीं दे पा रहे थे। नहीं जांच हो पाई, ना दवा मिली। लेकिन साई, उनकी दवा लेने से मैं फिर से ठीक हो गई। ये सुना है, कोई उस्मान आए थे दूर गांव से, उनके बेटे के कान में दर्द था, लेकिन साई ने उसे भी ठीक कर दिया। सबसे बड़ी बात कि साई को कोई तकलीफ बतानी ही नहीं पड़ती, वो सब कुछ जान जाते थे, जैसे कि कोई अंतर्यामी हो। और किसी में भेदभाव भी नहीं करते, हम गरीबों के लिए तो वैसे वो भगवान का रूप ही है। वो दो औरतें तो बस एक छोटा सा उदाहरण थे। फिर मैंने वहां जीवा को देखा, भागल जीवा, जो अब बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। बच्चों के साथ हंस खेल रहा था। मौनी, जो अपने पिता के साथ जा रही थी। आपने ठीक कहा सरकार, शिरडी के उद्धार, शिरडी की रक्षा करने का संकल्प करने वालों में मैं हूं। आपने बिल्कुल सत्य कहा कि मुझे इस शिरडी से बहुत प्रेम है, पर इसीलिए मैं इस पोटली को पुलिस चौकी में नहीं दे पाया। क्योंकि सच तो यह है कि साई ही शिरडी का भविष्य सुधार सकेंगे। वो अभिशाप नहीं, वरदान बनकर आए हैं हम सबके जीवन में। तुम्हारी बेटियां कुंवारी रह जाएंगी दहेज के बिना। जब मैंने ये निर्णय लिया कि मैं साईं के विरुद्ध कोई झूठा कार्य नहीं करूंगा, तब मुझे भी डर लगा कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि भले ही वो आजीवन कुंवारी रह जाए, लेकिन मैं उसके दहेज के लिए इस पूरे शिरडी का सौदा नहीं कर सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कुलकर्णी सरकार, दहेज देना कौन से पुण्य का कार्य है? असली अभिशाप तो यह है जिसके दोषी हम माता पिता हैं। क्यों हम इतनी जल्दबाजी में रहते हैं अपनी बेटियों को विदा करने में? क्यों हम डरते हैं कि उसे कोई दूसरा अच्छा लड़का नहीं मिले? क्यों हम डरते हैं कि वो आजीवन कुमारी रह जाएगी? अगर शिरडी का उद्धार चाहिए, इस समाज का उद्धार चाहिए, तो सबसे पहले ऐसी कुप्रथा पर रोक लगनी चाहिए। नहीं तो बेटियों के माता पिता अपने जमीर को बेचने में विवश होते रहे और बड़े बड़े साहूकारों के आगे कर्ज में डूबते रहेंगे। मैं खुश हूं कि खंडोबा जी जो मेरी परीक्षा ले रहे थे, उस परीक्षा में मैं For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.